राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवभूमि दर्शन ज्योति में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं कृष्ण नगरी वृंदावन में। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जैसे कि आज सुबह हम आगरा गए थे और शाम हो गई और हम वृंदावन की तरफ आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर में। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना और आप भी हमारे वीडियो के जरिए प्रेम मंदिर के दर्शन करना। दोस्तों, अभी 7:30 बज रहे हैं और जैसे कि बारिश हो रही थी वृंदावन में बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से हम जल्दी नहीं आ पाए। और प्रेम मंदिर में अंधेरे होते ही यहाँ पे लाइट शो होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और ज़्यादातर लोग रात तक इसलिए भी रुकते हैं कि हम वो लाइट शो देख पाएं, मंदिर को और ही ज़्यादा सुंदर बना देता है। और मंदिर बंद होता है 9 बजे, और जो कि अभी हम 7:30 हो गया हमें, और हमारे पास टाइम कम है घूमने के लिए। देखो ये देखो, हेलो करो डुगी, हेलो कहाँ आ रहे हो डुगी? मंदिर। कौन सा मंदिर? प्रेम मंदिर। कहाँ जाओगे? कैसा लग रहा है प्रेम मंदिर? मम्मी कैसा लग रहा है? नानी कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छे भाई, यहाँ पहुँचा ना, आ गए हमारी भी हमारी। Thank you.
दोस्तों मंदिर की लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं और सभी लोग अपने घर की तरफ चल रहे हैं और अब हम भी अपनी होटल की तरफ निकल रहे हैं। क्या? कितनी भीड़ है। The next morning. दोस्तों आज की सुबह हमने शुरू करी है बांके बिहारी के मंदिर से, तो अब हम चल रहे हैं अपने बांके बिहारी जी के मंदिर में। तो आप भी वीडियो में बने रहना और ये देखिए वृंदावन की गलियां। मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले यहाँ हम निकालेंगे अपने जूते चप्पल, और जो कि फ्री हैं। बाकी अपनी तरफ से कोई श्रद्धा है तो आप दे सकते हो, बाकी ये फ्री है। और आप दोस्तों मानोगे नहीं, आप निकलोगे टीका लगाने वाले अपने आप आ जाएंगे, आप मना भी नहीं कर पाओगे, मना करने से पहले ही लोग आपके टीका लगा देंगे। दोस्तों मंदिर की गलियों में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे पेड़ों की दुकानें, क्योंकि बांके बिहारी जी के बहुत फेवरेट हैं पेड़े, और बांके बिहारी जी के कपड़ों की दुकानें, फूल मालाओं की दुकानें। तो हमने कुछ पेड़े लेके गए और फूल लेके गए। दोस्तों कभी भी आप अगर मथुरा वृंदावन का प्लान करोगे तो वीकडेज में कराना, क्योंकि वीकेंड में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मतलब जितनी गलियाँ भी आपको खाली दिख रही है ना, वीकेंड में इतना ज़्यादा भरा रहता है कि बहुत ही ज़्यादा हौच पौच रहता है। तो कोशिश करना कि वीकडेज में ही जाओ। दोस्तों आप कभी भी मथुरा वृंदावन आओ, ये चीज़ें तो ध्यान रखना कि आप लोग कभी चश्मे पहन के मत आना, और पर्स भी बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि हमारे ही सामने हमने देखा था एक लेडी का पर्स निकाल दिया बंदर ने और उसमें बहुत सारे पैसे रखे थे, और फिर किसी ने बंदर को फ्रूटी दी, फिर जाके उसने पर्स फेंका और पैसे फिर भी हाथ में थे, फिर उसके बाद उसे फिर कुछ दिया, फिर उसने पैसे फेंके। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों हमने बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं और पास में ही राधा वल्लभ जी का मंदिर है, तो हम वहां दर्शन करने जा रहे हैं। और दोस्तों दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से हुए, क्योंकि भीड़ नहीं थी। और जबकि मैंने पहले बहुत वीडियो सर्च करी थी तो देखा वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है बांके बिहारी जी के मंदिर पर, पर जैसे कि हम वीकडेज में आए थे तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी और तसल्ली से दर्शन हुए हैं। Thank you.
कोई रिस्क है बाद में। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं निधि वन में, और निधि वन में दोस्तों कहा जाता है कि जब शाम की आरती हो जाती है तो कोई भी बाहर का व्यक्ति मंदिर में नहीं आ सकता है। और मंदिर में एक छोटा रंग महल है जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाने आते हैं रात को। और जितने भी आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं वन में, ये सभी पेड़ गोपियों का रूप में आ जाते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि जो आसपास के घर हैं सभी लोग अपनी शाम के समय खिड़कियां बंद कर देते हैं, कोई भी इस वन को नहीं देखता है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मथुरा, जो कि वृंदावन से लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पे है कृष्ण जन्मभूमि, तो हम कृष्ण जन्मभूमि में आए हैं और यहाँ पे कंस का कारावास है, तो आप भी बने रहिए।